हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड 10 का। मैं अपने पेस से मुताबिक जाऊंगी, ठीक है। लेकिन मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर का कोई एक्सरसाइज चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं पहले वो अपलोड कर लूँगी करके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस लिखे हुए, जैसे लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल, मतलब जो भी इक्वेशन होता है जिनका पावर 2 होता है। मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 होता है कोई भी इक्वेशन का, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स है, मतलब कि रूट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब रूट 2 एक्स स्क्वायर हो सकता है, रूट 3 एक्स होता है, रियल नंबर्स, मतलब इसका भी मतलब होता है, ऐसे ही नहीं लिखते कोई डेफिनेशन में रियल नंबर्स, राइट। और जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हाईएस्ट डिग्री एक्स हो जाएगी, जिसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, इजी है एक्सरसाइज 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो फर्स्ट वन है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x − 3। तो इसको पहले सॉल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, फिर देखो क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, x² कैंसिल भी हो जाता है, ये 2x कैंसिल हो गया और ये प्लस 7 = 0। तो हाईएस्ट डिग्री देखने जाओ तो इधर 2 है, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। सेकेंड है x² − 2x इज इक्वल टू −2 × 3 − x। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आएगी जब भी आप सॉल्व करोगे, तो लीनियर इक्वेशन में x की 1 वैल्यू आएगी। मतलब जितनी डिग्री होती है उतनी x का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उतना x की वैल्यूज आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आप ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते हो। +2x, सो x² − 4x + 6 = 0। तो हाईएस्ट डिग्री, तो ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो यस। थर्ड वन है x − 1 × x − 1 = x + 1 × x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रैकेट ओपन कर लो, x² + x − 2x − 2, फिर x² + 3x − x − 3। तो ये होगा x² − x − 2, ये होगा x² + 2x − 3। तो यहाँ पे देखिए x² कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, नो दिस इज डज नॉट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वेश्चन नंबर फोर में है x − 3 × (2x + 1) = x × x + 5। मैं बार बार बोल रही हूँ, डायरेक्ट मत करना, इसको सॉल्व करना, हो सकता है अगर 1 मार्कर आ जाए तो ये आपका गलत ना हो। सो 2x² + x − 6x − 3 = x² + 5x, राइट। सो 2x² − x² − 5x − 3 = 0। सो x² − 10x − 3 = 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे, 2। सो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फिफ्थ इज टू एक्स माइनस वन
एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन. सो इट्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव. सो टू एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव. सो टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो. सो एक्स स्क्वेयर माइनस इलेवन एक्स प्लस एट इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ऑब्वियसली येस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन सिक्स्थ वन, एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर. सो एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर. तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर इज नो. सो सेवेंथ, सेवेंथ इज एक्स प्लस टू होल क्यूब इक्वल्स टू 2x into x square minus 1 cube plus 8 plus 3 into 2 into x plus 2 equals to 2x cube minus 2x. So x cube plus 8 plus 6x square plus 12x is equal to 2x cube minus 2x. तो यहाँ पे तो देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्यूब क्यूब है, तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है. सो ये भी नो ही होगा. क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू. तो अगेन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू x cube minus 8 minus 6x square plus 12x. तो ये x cube और x cube cancel हो गया. So minus 4x square plus 6x square minus x minus 12x plus 1 plus 8 equals to 0. तो ये होगा 2x square minus 13x plus 9 equals to 0. तो obviously highest degree क्या है, 2 है. तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meters. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो यहाँ पे क्या, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स. Let the breadth be x. So length क्या होगा as per condition, it is 2x plus 1 meters. ठीक है. अब area क्या है, area of rectangle is l into b. ये already दिया हुआ है 528 is equal to 2x square plus x minus 528 equals to 0. Okay, so this is a requirement. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. So let the two consecutive integers be x and x plus 1, और ये दोनों का प्रोडक्ट. सो x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 306. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0.
Rohan's mother age is 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. So let the present age. Present age be X. तो मदर्स एज क्या होगी? मदर्स विल बी एक्स प्लस 26 इयर्स. ठीक है. नाउ आफ्टर 3 इयर्स रोहन की कितनी होगी? रोहन विल बी एक्स प्लस 3. और उसकी मम्मी की कितनी होगी? X plus 26 plus 3 which is equal to X plus 29. ठीक है. अब ये दोनों की एज का प्रोडक्ट, दैट मीन्स X plus 3 into X plus 29 is equal to 360. So X square plus 29X plus 3X plus 87 is equal to 360. So x square plus 32x minus 273 equals a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब हमको इतना पता है कि speed is what? It is a distance upon time. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. तो लेट द स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर्स. डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? इट्स 480 किलोमीटर्स. तो ऑब्वियसली टाइम क्या हुआ उसका? देखो टाइम क्या होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो विच इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स. राइट. देखो अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस है तो क्या होगा? Then speed will be x minus 8 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है. तो अगेन टाइम क्या हो जाएगा उसका? अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो 480 अपॉन x minus 8 हो जाएगा. राइट. अब जो क्वेश्चन दिया है उस पर हम कंडीशंस लिखेंगे दैट 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 480 अपॉन एक्स. तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स एक्स वाले साथ में लेके आ जाएंगे. इज इक्वल टू 3. ठीक है. तो इसमें बेस्ट क्या है कि आप 480 कॉमन निकाल दो. तो 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3. ये क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा. सो एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 480. ठीक है. तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया. So 8 upon x square minus 8x is equal to 1 upon 160. So ये होगा 8 into 160 is equal to x square minus 8x. So 1280 is equal to x square minus 8x. So x square minus 8x minus 1280 equals to 0. सो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो
तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई चैप्टर या एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.